हाय गाइस, दिस इज़ अदिति, वेलकम टू IAS पॉइंट। आज हम लोग जो हमने कल स्टॉप किया था टॉपिक, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, जैसे अति अधिक, अधिक और मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति एवं अति निम्न क्षति। तथा ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें भूकंप संभावित क्षेत्रों के बारे में इस मैप में बताया गया है और इसमें जो डिज़ाइंस बनाई गई हैं उसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र अधिक संभावित होते हैं, कौन से कम संभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भूकंप न्यूनीकरण। अब भूकंप न्यूनीकरण मतलब होता है भूकंप से बचने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जाते हैं। तो चूंकि आपदाओं की तुलना में, जैसे आप सब जानते हैं कि भूकंप से काफ़ी ज़्यादा जान और मान की हानि होती है, तो उससे बचने के लिए भी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो की जाएं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, यदि भूकंप आने का अंदेशा आपको हो या भूकंप आ रहा हो, आपको पता लगे, तो पता तो लग ही जाता है, आप खुले मैदानों में जा सकते हैं। यदि आप खुले मैदानों में जाने में असमर्थ हैं तो किसी टेबल या फिर बड़ी चीज़, किसी बड़े फर्नीचर के नीचे जहाँ बैठ सके वहाँ बैठ जाएँ। तो इससे क्या होगा, अगर कोई चीज़ आपके ऊपर गिरती भी है तो आप खुद को संभाल पाएंगे, और किसी चीज़ के नीचे दबे रहेंगे तो आपको चोट नहीं आएगी और आप निकल सकते हैं वहाँ से आसानी से। तो और भी कई कारण हैं जिससे हम भूकंप से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि GPS सिस्टम, यानी कि जियोग्राफिकल पोजीशनिंग जो सिस्टम है, इसकी मदद से फ्लैट में या फिर किसी भी स्थान पर आई हलचल का पता लगाया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों को अगर मानचित्र में अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो इसके प्रभाव को कम भी किया जा सकता है। जैसे यदि हमें पता हो, जैसे आप सभी को पता है कि नेपाल में लगभग रोज़ ही भूकंप आते हैं, एक दिन में कई बार भूकंप आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे रोज़ ही हानियाँ होती हैं। वहाँ लोगों ने अपने बचाव के कई सारे तरीके भी अपनाए हैं जिससे उन्हें हानि नहीं होती, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो इंसान उस तरीके में अडेप्ट कर लेता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको रोज़ कोई चीज़ खाने की आदत है और मान लीजिए बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसके कारण आपको घर में बंद रहना पड़े, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी ना, तो आप उतने दिनों तक उसके बिना रहना सीख जाएंगे और फिर आपको वो आदत भी छूट सकती है, आसानी से छूट जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लोग मास्क लगा के नहीं निकलते थे, लेकिन अब लोगों को आदत लग चुकी है। जो अभी भी जागरूक है उन्हें तो लग चुकी है कि वो जब भी बाहर निकलेंगे या घर से बाहर जब भी पैर रखेंगे तो मास्क या स्टॉल लेके जाएंगे। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जहाँ जिस चीज़ की लोगों को आदत हो जाती है, लोग उसी तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करना सीख जाते हैं। जैसे हमने कोरोना के साथ ज़िंदगी जीनी सीख ली है। अपने जीवन को स्टॉप करके रखना तो ज़रूरी नहीं होता ना, कितने दिनों तक हम अपने जीवन को रोक सकते हैं। ये एक वायरस है, इसने कोई निश्चित समय तो नहीं बताया है ना कि मैं 2 साल में यहाँ से चला जाऊँगा या फिर मैं दो महीने में जा रहा हूँ, आने वाले इस दिन को मैं चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को नहीं पता है कि कब जाएगा, तो हमें इसके साथ जीना ही सीखना होगा। हम अपनी ज़िंदगी को रोक के नहीं रख सकते, हर तरफ लॉकडाउन नहीं लग सकता, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए आगे बढ़ते रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देश में जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, यदि उन्हें मानचित्र पे इसी तरीके से बना लिया जाए तो हमें पता होगा कि किस स्थान पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो उस स्थान पे ट्रैकिंग सिस्टम, GPS इत्यादि लगा सकते हैं और अपने बचाव की ओर सुरक्षित कर सकते हैं। जो बंजर बिल्डिंग्स हैं उन्हें बनवाते रहें ताकि वो थोड़े से भूकंप के झटके से ही सीधा गिर न जाएं इत्यादि। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिज़ाइन में भी सुधार लाई जाती है। जैसे बहुत ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनाए हैं अगर, तो उसकी मतलब जो भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं बिल्डिंगें, हर साल में पुरानी हो जाती हैं 10-20 सालों में, तो उनका अच्छे से प्रोटेक्शन करना, उन्हें बनाए रखना, उनकी निर्माण करवाते रहना हर कुछ समय पे, ताकि वो कमज़ोर ना हो जाएं। क्योंकि यदि वो कमज़ोर हो जाएंगी तो भूकंप के थोड़े से झटके से भी गिर जाएंगी और बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ेगा। और क्षतिग्रस्त करवाने में उतना पैसा नहीं लगता जितना कि पूरी बिल्डिंग बनवाने में लगता है, तो यदि हम थोड़े थोड़े दिनों पर निर्माण कार्य करवाते रहें तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे भी बचते हैं। और अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी यानी भूकंप रेजिस्टेंट जो इमारतें होती हैं उन्हें बनाना, और सुमेध क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। दूसरा टॉपिक है सुनामी।
भूकंप और ज्वालामुखी में महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, जिसके कारण जल का अचानक विस्थापन होता है और लहरें जो हैं उनकी ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। जो भूकंप समुद्री लहरें भी इन्हें कह सकते हैं। ये सिर्फ एक शुरू में आप देखेंगे तो एक तरंग की तरह और लहरों की तरह उत्पन्न होती हैं, परंतु फिर ये जलों की एक श्रृंखला का रूप ले लेती हैं और प्रारंभिक तरंग की ऊंची शीर्ष और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में ये लगभग लाइक अक्सर हर वर्ष एक बार आती ही हैं। सुनामी का कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ता समुद्र के जलपोत में, परंतु उसके किनारे जो बसे राज्य हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, उनके कई घर डूब जाते हैं, इत्यादि चीज़ें होती हैं। इसके विपरीत देखा जाए तो जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग की लंबाई और कम होती चली जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। इसे उथले जल की तरंग भी कहते हैं, जिसमें अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें जो होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं और समुद्र का जो जल है वो तेज़ी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है तथा कस्बों, शहरों और इमारतों आदि बस्तियों को तबाह कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं सुनामी का जो जल है उससे सुनामी मतलब समुद्र में तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो समुद्र किनारे बसे राज्य होते हैं उनके कस्बों गलियों में पानी घुस जाता है, जिससे वहाँ बाढ़ आ जाती है, कई लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है तथा पलायन करना पड़ता है बाढ़ के कारण, जिससे बहुत ही दुविधाएँ होती हैं। इसके लिए कई सारे प्रयास भी आवश्यक हैं, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख लोगों को 3 लाख से भी अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला भी किया था। तो आपका टॉपिक मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।